हेलो एवरीवन, ये मेरा न्यू व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने स्टार्टअप किया है, क्या मैंने नाम चुना है। मैंने जो नाम चुना है वो है याइकी। याइकी नाम मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसी नाम से मैंने ट्रेडमार्क लिया है। मेरे को नाम अच्छा लगता था परी एंटरप्राइजेस, उस नाम से मैंने GST लिया, बट उस नाम से मुझे ट्रेडमार्क नहीं मिला। एक्चुअली बहुत नाम रजिस्टर होते हैं क्योंकि सभी चाहते हैं कि ऑनलाइन सेल करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने देखा है 10 लाख से ऊपर जो आंकड़ा है अमेज़न पर सेलर है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, लेकिन मैंने जो अभी स्टार्ट किया है वो ऑफलाइन स्टार्ट किया है। और आप मेरी वीडियो में बने रहे और देखते रहे कि कैसे मैंने अपना स्टार्टअप किया है और कैसे अपना सामान दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे मैंने तैयारी की है। आज हमने जो ऑर्डर किया था वो सामान भी ऑलरेडी आ चुका है और धीरे धीरे अब हम मार्केट रिसर्च करेंगे, होलसेलर रिटेलर सबके लिए रहेगा, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, ये मेरा हाउस है और मैं आपको दिखाऊंगी। देखो ये मेरे स्टार्टअप के लिए सामान आ चुका है। ये देखो आपने देखा होगा मेरा जो ये सामान आया हुआ है, तीन तरह का है। सैनिटरी पैड एक होगा 99 का, एक एक पीस में 99 वाले में होंगे 18 पीसेस राइट, और 32 वाले में होंगे 7 पीसेस, वो होगा 240 mm का। और एक होगा सैनिटरी पैड एक टाइप का 35 में, 35 वाले में होंगे 6 पीसेस, यानी 280 mm का है। ऑलरेडी गर्ल्स वगैरह एक्सल है तो 280 mm का ही यूज करते हैं। तो इस ब्लॉग में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ जो मेरा स्टार्टअप है और याइकी मेरी ब्रांड है। अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, दरअसल कुछ कारण थोड़ा पीछे चल गया था क्योंकि मैं वो नहीं करा पाई, बोर्ड वगैरह नहीं चिपका पाई, तो एक दो दिन में वो भी हो जाएगा और फिर हमारा स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। और आपकी मेरी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और ये मेरा ब्लॉग भी पसंद आए तो जरूर मुझे यस टाइप करना और बताना मुझे कैसा रहा, क्योंकि अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देती बट मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे मदर इन लॉ, यानी कि जो हमारे काम की शुरुआत होती है हमारे बड़ों से होती है, बड़ों से ही पूछ के हम काम करते हैं, तब वे आ जाएंगे जब आपको मैं एक एक करके 99 वाला, 32 वाला, 35 वाला सब पीसेज आपको मैं दिखाऊंगी। अभी मैं आपको अपने घर का माहौल भी दिखाने वाली हूँ। घर देखो, ये हमारा घर है, तीन कमरे है। अभी मैंने आपको अपने घर का माहौल दिखाया है और अभी मैं दिखाने जा रही हूँ अपना कमरा जिसमें हम बैठ के मतलब पढ़ते हैं बच्चे भी। ये मेरी सिस्टर की दोनों बेटियाँ हैं जो बहुत अच्छी है, लड़ती बहुत है लेकिन आपस में। और यहाँ पर मैं अपना काम वगैरह करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी बुक्स वगैरह है जो मैं अपना काम लर्निंग वगैरह का इसमें ही करती हूँ, क्योंकि पहले मैं लिखती हूँ फिर मैं याद करती हूँ कोई भी काम, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छे से लर्न नहीं होता है। तो ये मैं आपको दिखा दिया है और ये सिल्ड्रिक मेरे हस्बैंड को मिली हुई है। और अभी मेरा बेटा तो ऊपर गया हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको दूसरा कमरा दिखा रही हूँ जिसमें पूजा पूजा कर रही है हमारा, जिसमें पूजा वगैरह करते हैं हम, ये देखो। और ये स्टैंड है मेरा वीडियो बनाने का, बट क्या करें ये दरअसल बच्चों ने तोड़ दिया है क्योंकि बच्चे कुछ छोड़ते ही नहीं है, नालायक इतने होते हैं और काफ़ी तंग करते हैं। अभी मैं आपको पीछे ही हम यहाँ पर कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। तो ये मैं आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। अभी हमारा काम ख़त्म हुआ है और सामान भी आया हुआ है। और ये छोटी सी किचन है जिसमें बस केवल बेबी के लिए ही दूध वगैरह करती हूँ। हमारा जो सब काम है वो ऊपर ही होता है खाने पीने का, दरअसल यहाँ तो हम थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं, बच्चे के लिए ही ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वो नीचे सोता है ना मेरे पास। और ये देखो मेरे स्टार्टअप का सामान आपने ऑलरेडी देख लिया है। और मेरी वीडियो जो यदि पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये करना मत भूलना। आप देखो आपको मैं पूरा दिखा दिया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक फोटो दिखाने वाली हूँ जो कि एक पेंसिल से बनाई गई है, सिर्फ एक पेंसिल से। देखिए
ये फ़ोटो मेरे हस्बैंड की और मेरे भैया की है, जो जब ये 150 लीटर जल लेके आए थे, दोनों अलग अलग लेके आए थे, तब किसी ने गिफ्ट किया था इनको। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर आपको दिखाऊंगी ऊपर का माहौल, ऊपर क्या हो रहा है, दोनों बेटे क्या कर रहे हैं। और अभी देखो, दोनों फोन में ही घुसे रहते हैं। ये देखो, हाय करो बच्चों। ये मेरी सिस्टर का बेटा है शिवाय। दरअसल फ़ोन के तो बहुत बड़ी बीमारी होती है बच्चों को, क्योंकि फ़ोन देखना बच्चों की हैबिट बन गई है। ये देखो, ये दूसरा है, ये देखो मेरा बेटा शिवांश। हाय बोलो बेटा, हाय। फ़ोन में बिजी रहता है, दरअसल फ़ोन, दोनों भैया को फ़ोन बहुत पसंद है। फ़ोन से जितना इनको हटाए उतना ही करीब आते हैं, फ़ोन लेकर ही चुप रहते हैं। बट इनकी आदत थोड़ी छोड़नी पड़ेगी इनको, क्योंकि उसके लिए भी मैं इनका कुछ चार्ट वगैरह बना रही हूँ, जिससे ये बिजी रहे। इनके लिए एक चार्ट पेपर ऐसा बनाऊँगी ताकि ये बिजी रहेंगे पढ़ने में, क्योंकि अभी ये 2.5 साल का है, धीरे धीरे इसका एडमिशन हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा, तो फिर फोकस स्कूल पर और पढ़ाई पर ही रहेगा। ये देखो हमारे बाबू का माहौल है, ये देखो चारों बच्चे एकदम शैतानी करते रहते हैं। ये सबसे शैतान बच्चा है, हाय बोलो। सबसे सुंदर और सबसे शैतान कौन है? शिवांश और शिवाय। शिवाय, शिवांश कुछ बोलोगे? हाय बोल दो। अभी थोड़ा बिजी है। और ये बेटी है, दरअसल पढ़ाई भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये हमारी किचन है देखो, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो बनती है कढ़ी बनती है। मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली में सबको कढ़ी बहुत पसंद है। ये दीदी ने बनाई है कढ़ी, और एक सब्जी पेठा भी बनी है और करेला भी। दरअसल हमारे जो घर पर है वो साफ सफाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखो कितनी आवश्यकता है। अभी देखो दीदी भी वर्क कर रही है, हम दोनों बहने हैं और मिलकर काम कर लेते हैं। और हमारा परिवार भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन परिवार बहुत अच्छा है, मिलजुल कर रहते हैं सब। ये दीदी का कमरा है, और ये वाला जिसमें मेरा बेटा बैठा था, ये मम्मी का कमरा है, बड़ी मम्मी का, यानी कि सासू माँ का। ये देखो अभी काम में लगी हुई है, धीरे धीरे काम करके फिनिश कर लेंगी। अभी इसमें बच्चे पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। और ऑलरेडी मैंने किचन दिखाई दी आपको, क्या क्या बन रहा है। ये सब्जी मैं ढक रही हूँ। ये करेला है, करेला बहुत पसंद है मुझे। और ये देखो सबसे शैतान बच्चा कहाँ चढ़ रहा है। अभी मैं थर्ड फ्लोर पे जा रही हूँ, वो दिखा देती हूँ। हाय, हाय बोलो। ये बहुत शर्माता है। और आज हम सब बच्चों ने, हमने सब ने मिलकर ऊपर की सफाई की है, वो भी दिखा देती हूँ। ये दूध भी खर रहा है देखो, ये ऊपर का माहौल है सब। ये देखो हमारे यहाँ पर ना बंदर बहुत आते हैं और नुकसान कर देते हैं, दूध भी खेर देते हैं और फ्रिज खोल लेते हैं। और ये देखो हमारा ये कमरा है, ऊपर तो कोई नहीं रहता, बट हम आ जाते हैं ऐसे ही घूमने के लिए, कपड़े वगैरह यहीं पे सुखाते हैं। और अभी धूप हो रही है बहुत तेज, क्योंकि आज हमने यहाँ पर भी साफ सफाई की थी। तो ये हम अपना रूटीन काम कर लेते हैं, ये काम ख़त्म होता है तो फिर दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको न्यू लेकर आएंगे। अभी मदर इन लॉ आने वाली है, किसी काम से बाहर गई हुई है अभी, और अभी जस्ट आते ही मैं आपको सामान दिखाती हूँ और आपको ये सैनिटरी पैड के बारे में बताती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ब्लॉग के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि हर इंसान प्रयास करता है कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का, वो मैं भी कर रही हूँ कुछ आगे बढ़ने का, कुछ करने का। ये देखो बच्चे कुछ नहीं करने देते, बाबू आ गया, ये बाबू अब ये यहाँ पर धूप में खेलेंगे, बट इनको डर भी नहीं लगता कि
गर्मी हो रही है फिर भी नहीं मानते बच्चे, बच्चे शैतान बहुत करते हैं। और अभी देखो ये मेरा व्लॉग था, और अभी बस आपको एक मिनट के अंदर मैं अभी दिखा ही रही हूँ अपना सामान, अभी देखो करने लगे। ये देखो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ ने खोल दिया है, अभी एक आंटी आई हुई है, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले आंटी ने ही खरीदा है और मदर इन लॉ ने अभी खोला है जस्ट। और ये हमारी ब्रांड है आंटी, यारे मैं तेरी ताई हूँ, सॉरी ताई जी है ये मेरी। सबसे पहले ही नहीं कोई पता चला है और जस्ट इन्होंने ही लिया है ये वाला पीस। ये दो रहेंगे अलग अलग क्वालिटी के, ये 240 mm का है और ये इसमें 7 पीस रहेंगे, ये 6 पीस वाला है और इसमें 7 रहेंगे, 32 वाला है। तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया, सही है। और पब्लिक को पता, मैं आपको इसके प्राइस बता देती हूँ रिटेलर के लिए, ये 99 का है एमआरपी की, आपको 90 रुपए का पड़ेगा और इसमें 18 पीसीज है 280 mm में। और ये वाला इसमें ये 35 इसकी एमआरपी है, ये देखो 35, और ये 280 mm में है 6 पैड से और एक्सल में है, और ये पड़ेगा आपको 30 रुपये में, यानी कि 35 वाला 30, और ये 32 का है 28 में पड़ेगा, 7 पैड से, ये 240 mm में और 7 है इसमें, यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। और यहाँ देखो ये हमारी ब्रांड है ये वाली, देखो ये आपने देखा होगा ये आई, तो आपके लिए अच्छा है और होलसेलर के लिए कम से कम वो 10,000 का लेगा हमसे, तो उसको हम